हमने सर्वे करवाया था कि देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जितने जजेज हैं वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हैं। देश में जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूलों से पढ़ रहे हैं। सर्वे में निकल कर आया 98% लोग जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जजेज हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर इंजीनियर्स डॉक्टर्स हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन थी, बहुत अच्छी एजुकेशन थी। बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन की वजह से हमारे लोग डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, जज बनने लगे, आईएएस आईपीएस बनने लगे। लोगों को ये तकलीफ हो गई कि जो लोग हजारों साल तक उनके गुलाम थे, जो कभी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, उनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई। जो 15-15 घंटे रोज बिना पैसे के काम किया करते थे, केवल घर के बचे हुए खाने देने पर जिंदा रहते थे, आज वो न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं, आज वो जुल्म के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कराने लगे हैं। ये ताकत इनके पास कहां से आई? तो उन्हें समझ आ गया ये ताकत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमारे समाज के पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, और जब रिजर्वेशन की व्यवस्था की, और जो राजनीति में जो प्रतिनिधित्व दिलवाया, उसकी वजह से हमारे लोग यहां तक आए। वहीं से 40 साल पहले उन्होंने ये षड्यंत्र करना शुरू किया कि इन लोगों को रोकना होगा, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ते रहे तो उनके फैक्ट्रियों में और उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। ये तकलीफ उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो उन्होंने षड्यंत्र किया, चूंकि वो लोग षड्यंत्रकारी पहले से है। चाहे आप देवासुर संग्राम देख लीजिए, चाहे आर्य और आर्यों के बीच के युद्ध को देख लीजिए, चाहे महिषासुर का देख लीजिए क्या अंजाम हुआ, चाहे राजा बलि महाबली का क्या अंजाम हुआ। हमारे हर महान राजा को इन्होंने छल कपट से धोखे से उनकी हत्या की और उनके राजपाट को कब्जाया। उसी तरह का छल कपट इन लोगों ने फिर से रचा। अब से लगभग 40 साल पहले इन्होंने एक एक करके क्या किया, प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। ये कोई अचानक नहीं हो गया, ये एक साजिश के तहत जानबूझ कर किया गया। एक एक करके प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। और प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर शहरों की बात करूं तो जो प्राइवेट स्कूल मध्यम दर्जे के हैं, एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो एक बच्चे की, केवल एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कम से कम 7-8 हजार रुपया महीना मिनिमम मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में आता है। हर परिवार में कम से कम अगर 2 बच्चे मान लिए जाए, इसका मतलब हर परिवार को अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो कम से कम 15-20 हजार रुपया महीना केवल 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे केवल बड़े नौकरी पेशे वाले लोगों को छोड़ते हैं, मुट्ठी भर जो लोग हमारे बिजनेस में उनको छोड़ दें, तो क्या 99% लोग हमारे समाज के अपने 2 बच्चों की पढ़ाई का 15-20 हजार रुपया महीना का खर्चा उठाने की के लिए उनके अंदर क्षमता है क्या, सामर्थ्य है क्या? नहीं है। और ऊपर से हायर एजुकेशन में देख लीजिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं, मेहनत मशक्कत करके बिना कोचिंग तो सेलेक्ट में से भी नहीं हो सकते। अगर माँ बाप पैसे खर्च करके कोचिंग भी करवा देते हैं और उनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता है, तो एक बच्चे की 1 साल की फीस का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा और बाकी खर्चे अगर जोड़ लें तो कम से कम 2 लाख रुपए तो केवल फीस का खर्चा है। हॉस्टल का और बाकी खर्चे अगर जोड़ेंगे तो 4 साल की इंजीनियरिंग की कोर्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक बच्चे के लिए हमारे समाज के लोगों को 12-15 लाख रुपए चाहिए। क्या हमारे 99.5% लोग एक बच्चे के इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए क्या वो 15-12 लाख का खर्चा उठाने में सक्षम है? नहीं है। तो ये पढ़ाई महंगी क्यों की जा रही है? सरकारी स्कूल पिछले 15-20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए।
कहा तो योजना थी गांव गांव तक स्कूल पहुंचाना है, और कहा अब गांव के अंदर खुले हुए स्कूल को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर यूनिवर्सिटीज को इन्होंने कैटेगरी में बांट दिया। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्चा लाखों रुपए साल का होगा और वो खर्चा बच्चे को उठाना होगा। इसका मतलब हमारे समाज के बच्चे ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ बी ग्रेड यूनिवर्सिटीज होंगी उसमें भी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा लाख रुपए से कम साल का नहीं होगा। इसका मतलब बी ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे बच्चे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी में मुश्किल से हमारे बच्चे पहुंचेंगे और उनका स्तर इतना निचले स्तर का स्तर होगा कि वहां से पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार इन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति को बर्बाद कर दिया, आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को कोई पढ़ाने नहीं चाहता, सबको ये रहता है कि वहां पढ़ेंगे तो मजदूर बनेगा। एक साजिश है ये, अचानक में नहीं हो गया। हमको इस बात पे जरूर चिंतन करना चाहिए कि जातियां किसने बनाई। पूरे दुनिया के अंदर तो जातियां है नहीं, तो ये जाति बनाई किसने, और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ, जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ, ये आप सब जानते हैं। जाति किसने बनाई ये भी आप सब जानते हैं कि जाति बनाने से जाति कौन सी जातियों को फायदा है और कौन सी जातियों को नुकसान है। तो जिन लोगों ने जातियां बनाई उन्हीं लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। तो एक तरफ उन्होंने एजुकेशन को महंगा करके हमारे हाथ से एजुकेशन छीन ली, और दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन से हमारे लोग नौकरियों में आ जाते थे उन्होंने भारत सरकार के उपक्रमों को लगातार बेचकर प्राइवेटाइज कर दिया। फोर्थ पे कमीशन में इन्होंने फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह बैन करके ठेके पे दे दिया, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी। यानी जहां हम अगर रेगुलर सर्विस में होते और अगर हमारी 20 साल की सर्विस होती तो हमारे आदमी की उस फोर्थ क्लास की नौकरी के अंदर भी तनख्वाह होती कम से कम 40,000 रुपया महीना। लेकिन आज आउटसोर्स होने के बाद ठेकेदार उनको दे रहा है 8,000 रुपये महीना। कितना बड़ा नुकसान इन लोगों ने साजिश के तहत हमारे लोगों का कर दिया। बैंक के अंदर हमारे लोगों की नौकरियां लगा करती थी, इंश्योरेंस कंपनियां में लगा करती थी, पेट्रोलियम कंपनियां में लगा करती थी, गैस कंपनियों में लगा करती थी, रेलवेज में लगा करती थी, एयर इंडिया में लगा करती थी, एयरपोर्ट्स में लगा करती थी, आईटीटीसी में लगा करती थी, बालकों में नालकों में सारे के सारे संसाधन भारत सरकार ने स्वयं बेच दिए। कौन लोग हैं जिन्होंने उन सारे उपक्रमों को घाटे में पहुंचाया, कौन लोग हैं जिन्होंने इन सरकारी उपक्रमों को बेचा, और कौन लोग हैं जिन्होंने इन सरकारी उपक्रमों को खरीदा, ये इन्हीं के दो लोग हैं। इसका मतलब क्या है, इस षड्यंत्र को हमें और आपको समझना होगा। ये एक साजिश है देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों अल्पसंख्यकों को बर्बाद करने, केवल अपने चंद पूंजीपतियों के लोग अमीर बना रहे हैं, पूरे देश को उनके हाथों में बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक बहुत बेसकीमती चीज हम लोगों को दी। आपको पता होना चाहिए जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि सरकार अंग्रेज जाने वाले हैं, सरकार हमें चुननी है, वोट का अधिकार अब किसको मिलना चाहिए, जब संविधान सभा में इस पर चर्चा शुरू हुई तो ये जानकर आपको ताज्जुब होगा संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पे करने वाले पूंजीपतियों को और जो बड़े जमींदार हैं केवल उन तीन कैटेगरी को देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे कि भारत के धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 80% लोगों को हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया तो हमारे लोग ग्रेजुएट कहां से बनते, हजारों साल तक हमें व्यापार नहीं करने दिया तो हम लोग इनकम टैक्स पे ही कहां से बनते, हजारों साल तक संपत्ति रखने पर धार्मिक मंदिर लगा के रखी तो हम लोग जमींदार कहां से बनते। इसका मतलब देश में सरकार 88% लोगों को वोट का अधिकार देना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने आ गए और उन्होंने संविधान सभा को अपने तर्क से, अपने काबिलियत से, अपनी योग्यता से इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए, और वो मिला। लेकिन क्या हम लोगों ने अपनी वोट की कीमत को समझा, क्या वोट की वैल्यू को समझा, क्या हम इस अहमियत को समझ पा रहे कि इसी वोट से देश की सरकारें चुनी जाती है और वही सरकारें पूरे देश को बेच रही है। जानते क्यों बेच रही है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी वोट की कीमत को नहीं समझा। 1,500 रुपए में शराब की बोतल में 10-5 किलो अनाज में हमने अपनी वोट को बेच दिया।
हम ये भूल गए कि जिन पूंजीपतियों के पैसे से वो हमारी वोट को खरीद रहे हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरे देश को बेच रहे हैं। आज हमें समझना पड़ेगा वो 22 प्रतिज्ञा है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दम दीक्षा लेने के बाद 15 अक्टूबर को अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। ये 22 प्रतिज्ञाएं केवल प्रतिज्ञा नहीं है, बेसिकली देश कैसे तरक्की करे, देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे अपनाए, देश पाखंडवाद अंधविश्वास से कैसे मुक्त हो, लोग एक दूसरे के कैसे प्यार के साथ बातचीत करें, लोग हिंसा से दूर रहे, नशे से दूर रहे, चोरी ना करें, अच्छा आचरण रखें, सबके लिए मंगल कामना रखें। तो ऐसे इतना सुंदर मार्ग उन्होंने 22 प्रतिज्ञा के तौर पर दिया। वही 22 प्रतिज्ञाएं देश में और विदेश में हजारों स्थानों पर हर साल अशोक विजयदशमी पर वही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती है। उसी मंच पर सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। तो आज जो कुछ इन लोगों ने किया है 22 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बनाकर, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ दुनिया में जब बाहर आप जाते हैं तो आप कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन बुद्ध से इतनी नफरत? इस सच्चाई को समझना होगा। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्होंने हजारों साल तक षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा। फिर से एक साजिश रची गई है कि हमारे बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाए, हमारे बच्चे नौकरियों में ना पाए, हमारे बच्चे व्यापारी ना बन पाए, हमारे बच्चे फिर से मजदूर बने, और जो मजदूर बन जाता है वो गुलामी स्वीकार कर लेता है। ये हमारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम बनते हुए देखना चाहते हो? कदापि नहीं, गुलामी स्वीकार नहीं की है। हम लोग सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग ना तो डरेंगे ना झुकेंगे। हम कितना ही सेक्रीफाइस करना पड़े, अगर अपने प्राणों की भी कुर्बानी देनी पड़े, पर दे देंगे, लेकिन कभी अपने समाज को धोखा नहीं देंगे। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते से किसी कीमत पे हटने को तैयार नहीं है। अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा जाति बनाने वाले लोगों की साजिश को। उन्होंने जातियां क्यों को बनाई? क्योंकि हम लोग देश में लगभग 88% लोग हैं, 80 से तो ऊपर है। तो अगर वो हमें हजारों जातियों में ना बांटते तो हजारों साल तक हम पर शासन नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमें तो समझना चाहिए कि अगर पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? मैं चाहता हूं मुझे पूरे दुनिया से केवल एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दो कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, तुम 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो, और जिसका ऑपरेशन होना है, एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया पर मुझे दिखा दो जो ये कहे कि मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या ये कहे मुझे केवल क्षत्रिय का या वैश्य का ब्लड चाहिए, या ये कहे मुझे केवल ईसाई का या मुस्लिम का ब्लड चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं इंसान को जानवर का ब्लड नहीं चढ़ सकता, इंसान को केवल इंसान का ब्लड चढ़ सकता है। इसका मतलब कुदरत ने तो जाति नहीं बनाई, तो जाति तो इन साजिश करता उन्हें बनाई है। लेकिन आज हमें कोई जातियों में खुद नहीं बांट रहा, आज हम अपनी मर्जी से जातियों में बटे हुए हैं। हम लोग 80-85% लोग हजारों कुटुंबों में बटे हुए हैं। हम अगर बटे रहेंगे और वो 12% लोग एकजुट रहेंगे तो क्या उन 12% लोगों से हजारों जगह बटकर हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे? इस तरीके से इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। चाहे सुरेश माने जी कितनी मेहनत कर ले, पृथ्वीराज जी कितनी मेहनत कर ले, मायावती जी कितनी मेहनत कर ले, हम पे कितनी मेहनत कर ले, या हमारे समाज के तमाम लोग, दलित पिछड़े आदिवासी वंचित वर्ग के लोग कितनी भी मेहनत कर ले, हम लोग उनसे तब तक हारते रहेंगे जब तक हम जातियों को जिंदा रखेंगे। जब हम ही लोग जाति को जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें कोई नहीं कह रहा तुम जातियों को जिंदा रखो। जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, तो हम सब अपनी जाति ढूंढते हैं। और तो कई जगह मैंने देखा लोग गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं, गांव में बोर्ड लगाते हैं, द ग्रेट चवहान, द ग्रेट महार, द ग्रेट वाल्मीकि। क्या है, जाति कब से ग्रेट हो गई? जाति की वजह से तो हजारों साल से हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। अगर जाति उत्पीड़न का कारण है
तो इसको खत्म करना होगा, जातियों को खत्म करना होगा, समाज को, जातियों को छोड़ो समाज को जोड़ो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक किसी कीमत पर हम इन जातिवादी मानसिकता के लोगों से जीत नहीं पाएंगे। इनसे जीतने का एक ही तरीका है, पूरे समाज पे जुट करना होगा और राजनीतिक रूप से भी इनको सबक सिखाना है। वो भी तभी संभव जब हम एकजुट हो जाएंगे। टुकड़ों में बटकर कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी जाती है। आप जरा सोचो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 1935 का जाति तोड़ मंडल के सामने जो भाषण होना था, जिसको उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि तुम इसमें चेंज नहीं कर रहे हो हमारे हिसाब से, वो भाषण बाबा साहब ने छपवाया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में छपा। इतना अच्छा रिसर्च वर्क है, उसी की वजह से तो बाबा साहब ने अल्टीमेटली देखा कि यहाँ सुधार की कोई संभावना नहीं है। ये वर्ण और जाति में बटा, ये धर्म पूरी तरह वर्ण और जाति पर टिका हुआ है और ये वर्ण और जाति को कभी खत्म नहीं करेंगे, तो हमारे साथ होने वाला उत्पीड़न कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तो उन्होंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वो भारत को बौद्ध में करना चाहते थे, लेकिन दीक्षा के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, भारत को तमाम जातियों को खत्म करके अपने समाज को एकजुट करके मजबूती से उनकी लड़ाई को लड़ना था, क्योंकि अगर हम बौद्ध में हो जाते तो हमारे ऊपर कोई जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अगर करता तो सारे बौद्ध देश हमारे साथ खड़े हो जाते। लेकिन हम लोग बाबा साहब की निकम्मी और नाकारा औलाद निकले। हम ये तो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम लोग गद्दार साबित हुए, इसीलिए उन्होंने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन आज मैं गर्व और गौरव के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपकी जलाई हुई मसाल को हम अपने खून से सींचने का काम करें। आपकी जलाई हुई मसाल को आज अगर पूरे देश में कुछ लोग लेकर चल रहे हैं, वो सारे पढ़े लिखे लोग लेकर चल रहे हैं। आज पूरा समाज एकजुट होने लगा है, एक आग पैदा हो गई है, इस क्रांति की आग को, इस नीली क्रांति को जलाए रखना है, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम व्यापार कर सके। हम अगर एकजुट हो जाए तो वापस सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि हमारी सारी बातें सरकार माने, हमारे सारे हक और अधिकार सुनिश्चित हो सकते हैं। लेकिन हो तो सकता है, आप कदम तो बढ़ाइए, आप आपस में रोटी बेटी का रिश्ता तो कीजिए, अपने अंदर फैले जातिवाद को तो खत्म कीजिए और अपने ईगो को छोड़िए। दोस्तों, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी बनाकर, छोटे छोटे संगठन, लाखों संगठन बनाकर हमने अपने समाज को टुकड़े टुकड़े में, लाखों टुकड़े में बांट दिया। लाखों टुकड़े में बांट कर अपने समाज को एकजुट नहीं कर पाएंगे, इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, अगर हम मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बच्चे हैं, अगर हम मानते हैं हमारे अंदर बाबा साहब, हमारी रगों में बाबा साहब का खून बहता है, हम अब जातियों को तोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे, पूरे समाज को एकजुट करेंगे। समय आ गया है, अब किसी कीमत पर अपने बच्चों के लिए हम भविष्य में गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। हम एकजुट होंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सच के मार्ग पर हैं, हम सत्य के मार्ग पर हैं। करुणा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, प्रज्ञा, सीन, मैत्री, ये जो मार्ग है, जो शांति और मानवता का मार्ग तथागत बुद्ध के धम्म से भारत से पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, क्या उस मार्ग को अपनाने में आपको दिक्कत है? संकल्प कीजिए आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम आधे बहुजन तो बौद्ध बने। जिस दिन आधे बहुजन बौद्ध बन गए, जो लोग हमारे साथ उत्पीड़न करते हैं, जो लोग जाति जबरदस्ती हमें जातियों में बांटकर लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं, वो लोग अल्पमत में आ जाते हैं। और मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें रुके, तो पहले आप संकल्प करो, आप जातियों को खत्म करने को तैयार हैं, आप हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार हैं। अगर आप जातियों को खत्म करने को तैयार नहीं हो, तो भारत तो बौद्ध में बन के रहेगा, क्योंकि अब हमें किसी कीमत पर उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या हो रही है, गड़ा छूने पर हमारी हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छूने पर हमारी हत्या हो रही है, क्या हम इंसान नहीं है? ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलेगा। अब जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। मैं आह्वान करता हूं आपसे,
चाहते हो पूरी तरह शक्ति के साथ एकजुट होकर अब इस मानवता की लड़ाई को हम लड़ेंगे और भारत को बौद्ध में भारत बना के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, मैं फिजिकली नहीं आ पाया, मेरी मजबूरी थी, मेरा दिल वहीं आप ही के पास है। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक, प्रजासत्ताक जनता।